इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कहना है उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज हम एक और एंगल डिस्कस करने वाले हैं जो कि ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बैन होने की वजह से क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर वाकई में कोई इफेक्ट होगा, किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एडुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाए। तो पहले जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि ये हेडलाइन तो सिर्फ बैन की बात करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक क्यों करा है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। व्हाट एग्जैक्टली आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? बॉन्ड्स का मतलब होता है एक डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट का मतलब होता है उधार। तो यदि मैंने कोई बॉन्ड इशू करा है और आपने परचेज करा है, तो आप पैसे मुझे देते हो, वो पैसा मेरे ऊपर उधार है, वो पैसा जो है मुझे आप पे वापस करना है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैं इशू करता हूं, वन वे ट्रांजैक्शन है, मुझे आपसे पैसा मिलता है, वो पैसा जो है वो एक तरीके का डोनेशन है, उसको वापस नहीं करना पड़ता। इट इज नॉट सपोज टू बी रीपेड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स सन 2017-18 में लाए गए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को इस जरिए के थ्रू फंड किया जा सके। सो द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 और इसको इंप्लीमेंट करा गया 2018 में। तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ करते हैं फंडिंग सिक्योर करने के लिए फ्रॉम डोनर्स हुज आइडेंटिटीज आर केप्ट एनोनिमस, गुप्त रखी जाती है उनकी पहचान, पता नहीं होता कि किसने वो पैसा डोनेट करा है, हु हैज एक्चुअली डोनेटेड दैट मनी। दिस इज समथिंग दैट वी इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो उसमें ऐसी क्या चीज है जो मैटर करती है और ऐसी क्या चीज है जो आपको ध्यान रखनी है? आइए देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। हाउ डू दे फंक्शन? लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले बैंक्स को यह कहा जाता है कि आप डेजिग्नेटेड हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए। बैंक्स आर गिवन दिस अल्टीमेटम दैट यू कैन इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फिर अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस में, जो कि साल में चार बार आते हैं, यानी कि चार बार साल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते थे, तो वो इन बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट यानी कोई भी इंसान, आप, मैं, एनी पर्सन कैन बी इज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर दीज बॉन्ड्स। तो एप्लीकेंट जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अप्लाई कर सकता है और वो पैसा जो है वो इस बैंक के एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कराता है। एस्क्रो अकाउंट का मतलब एक कॉमन अकाउंट जिसमें पैसा सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग जाता है। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बॉन्ड आपने खरीदा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को इस बैंक अकाउंट से पैसा 15 दिन के भीतर विड्रॉ करना पड़ता है। दिस इज हाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क। इस तरीके से सिंपली इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम करते हैं। सो नोटिफाइड बैंक्स चूज करे जाते हैं, ये इशू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। डोनर जो है वो खरीदता है बॉन्ड्स को चेक या डिजिटल पेमेंट, क्योंकि बैंक है इसलिए आपको डिजिटल अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी पड़ेगी। डोनर गिव्स द पार्टी ऑफ हिज और हर चॉइस, जिसके पास इन बॉन्ड्स का पैसा जाना चाहिए, और पार्टी जो है वो फिर बॉन्ड्स, जो पैसा डिपॉजिट हुआ होता है, उसे विड्रॉ कर लेता है। सो दे विड्रॉ द मनी। एनकैशमेंट इज ओनली पॉसिबल थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज ऑथराइज बैंक अकाउंट। इसी के जरिए आप जो है पैसा निकाल सकते हो। दिस इज वॉट कैन बी डन। तो ये कौन से बैंक कर सकते थे? जो डेजिग्नेटेड बैंक है उसकी यदि बात करें, तो कौन सा बैंक कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये साल में चार बार जो है इशू करे जाते थे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। और जैसा मैंने बताया, SBI अपने ही ब्रांचेस के जरिए ये इशू कर सकता था। अगर मुझे खरीदने हैं तो मैं SBI की ब्रांचेस से ही खरीद सकता हूँ। ये जो बॉन्ड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस में ही इशू किए जा सकते थे। जैसे आप या तो 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदे, 1,000 का, या 10,000 का, या 1 लाख का, या 10 लाख का, या 1 करोड़ का, या इन्हीं के मल्टीपल्स में खरीदे। इस तरीके से ये बॉन्ड्स खरीदे जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने बॉन्ड खरीदा है,
तो ये एक इन्वेस्टमेंट है. जी नहीं, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स. ये बॉन्ड्स जो है एक तरीके से इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है कि आप ऑफिशियली पार्टी को बॉन्ड्स के जरिए पैसा डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं. दिस इज वाई यू आर इशूइंग द बॉन्ड्स. और कौन सी पार्टीज इस बॉन्ड्स के जरिए पैसा ले सकते हैं, या कौन सी पार्टीज ऐसी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं, ये भी जान लेते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951, जिनको कम से कम 1% ऑफ द वोट्स मिले हो इन द मोस्ट रीसेंट जनरल इलेक्शन, तो जैसे लोकसभा इलेक्शंस हुए या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए, उस पार्टी को कम से कम 1% वोट मिले हो और वो आरपीए में रजिस्टर्ड हो, ये जो है बॉन्ड्स यही इशू कर सकते हैं और इन्हीं को वो बॉन्ड्स का पैसा मिलेगा. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिक फीचर्स हैं इन बॉन्ड्स को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर. और कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक खरीद सकते हैं. इट कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स. कुछ और इंडिविजुअल्स के साथ आप खरीद सकते हो. और ये 15 calendar days तक ये वैलिड है, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर इनका पैसा पोलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट में ले लेना चाहिए. दिस इज वॉट यू शुड डू. अब आता है इशू, बोन ऑफ कंटेंशन, डिस्प्यूट. डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट ये है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था, कि आप एनोनिमस चीज़ ये कहते हो लेकिन पार्टीज के पास वो डेटा होता है. क्योंकि पार्टीज के पास वो डेटा होता है तो उस डेटा को मिसयूज भी किया जा सकता है. दैट डेटा कैन इवन बी मिसयूज. सो गवर्नमेंट्स एक्सेस टू डोनर डेटा मे थ्रेटन एनोनिमिटी. इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट कंसील द गिवर्स एंड रेसिपिएंट्स आइडेंटिटी. ये तो कंसील करते हैं, लेकिन अगर सरकार के पास वो डेटा है लेकिन सरकार वो उस डेटा को यूज कर ले, तो आपकी एनोनिमिटी तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो रही है. तो इस वजह से ये खतरनाक है. ये आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ जाता है. दिस गोज अगेंस्ट राइट टू प्रिवेसी. उसके बाद इट मीन्स दैट रूलिंग गवर्नमेंट कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू डिस्ट्रप्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. आपको पता लग जाएगा कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट नहीं कर रहा है. जो नहीं कर रहा है उसको आप किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो. अनऑथराइज्ड गिफ्ट्स. गिफ्ट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से बैंड है या नहीं देने चाहिए. अब आप ऑफिशियली अगर गिफ्ट्स नहीं दे पा रहे हो तो आप करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स खरीद लोगे, तो वो करोड़ों रुपए पार्टीज को चले जाएंगे. तो गिफ्ट लेने का एनोनिमस तरीका हो गया. कभी पता ही नहीं चलेगा कि किसने बॉन्ड्स खरीदे या कहां से इतना चढ़ावा आया. लूप होल्स रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड डोनेशन लिमिट्स. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. इसमें लूप होल्स है कि डोनेशन लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, आप कितना भी डोनेट करो. एंड लास्टली देर इज अ रिस्क ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म. कि कोई क्रोनी है. क्रोनी कैपिटलिज्म एक शब्द यूज करा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेसेस के बीच के नेक्सस का. उसको कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म. तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो इतना चढ़ावा, इतना पैसा दे देंगे पार्टीज को कि वो पार्टीज बाद में जब पावर में आएंगी तो वो उसी कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन के फेवर में पॉलिसीज बनाएंगी. ये बहुत खतरनाक होता है. दिस इज हाईली प्रॉब्लमैटिक. तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनको बैन किया जाना चाहिए. दीज बॉन्ड शुड बी बैन बिकॉज दे गो अगेंस्ट द राइट टू प्रिवेसी, दे गो अगेंस्ट राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, एंड दे ऑल्सो गो अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन. आरटीआई के भी खिलाफ जाते हैं. आरटीआई के खिलाफ जाने का मतलब है कि अगर मुझे ये बात पता करनी है कि किस किस ने बॉन्ड्स खरीदे, तो वो इंफॉर्मेशन या तो आप पब्लिक के सामने पूरी तरीके से प्रस्तुत करें. तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वायलेट नहीं होता. अगर आप वो कंसील करते हो तो वो आरटीआई के इनहेरेंट प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है. तो ये वजह थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड्स को बैन करा. अब आते हैं दूसरे पहलू पे. अब वो पहलू ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को वाकई में फर्क पड़ेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बैन होने से? बॉन्ड्स के जरिए जो चढ़ावा आता था, क्या उसको बैन करने से कोई फर्क पड़ेगा? आइए जानते हैं. एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR. उसका यह ना कहना यह है कि बीजेपी को, यह अभी हाल ही की रिपोर्ट है, 681 crore rupees के कॉरपोरेट डोनेशंस आए. कॉरपोरेट डोनेशंस यानी कि कॉरपोरेट्स ने अपने आप डोनेट करा ये पैसा. और ये जो है ये बॉन्ड्स के थ्रू नहीं आए थे. दे वर नॉट गिवन थ्रू बॉन्ड्स. जो बॉन्ड्स के थ्रू आया था वो पैसा अलग है. सो उनका ये कहना था इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर ओनली बेनिफिशियल फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट. ये इसलिए कहा था क्योंकि रूलिंग पार्टी को मैक्सिमम डोनेशंस आते हैं. जो डोनेशंस टोटल आए 70-80% डोनेशंस सिर्फ रूलिंग पार्टी को जाते हैं. बीजेपी अलोन हैज रिसीव्ड 5 times डोनेशंस एज ऑल अदर पार्टीज कंबाइंड. बाकी सारी पार्टियों को कंबाइन कर दो
और कंबाइन करके उसके डोनेशंस ले लो, उसका इनटू फाइव सिर्फ अकेले बीजेपी को आता है, ऐसा इनका कहना था। तो अगर जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू होना शुरू हुए हैं तब से लेके आज तक 2024 तक टोटल किया जाए, फ्रॉम 2017-18 टू 22-23 भाजपा के पास 6566 करोड़ का चढ़ावा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। बाकी पार्टीज को, कांग्रेस को 1100 करोड़, टीएमसी को 1000 करोड़, बीजेडी को 700 करोड़ और डीएमके को 600 करोड़, टीआरएस को 384 करोड़, इस तरीके से आया है। तो आप देख सकते हैं भाजपा को 6500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चढ़ावा आया है। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, क्या 6500 करोड़ इलेक्शंस लड़ने के लिए काफी होते हैं? इन टोटालिटी सिर्फ पर्सपेक्टिव देने के लिए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है, उनका यह कहना है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन टोटालिटी 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है जनरल इलेक्शन पे, और उसमें से तकरीबन 50% 27,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने खर्च किया है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की यदि बात करी जाए, उनको इनकम जो हुई बॉन्ड से वो इतनी इतनी इनकम हुई है 2019 से लेके 2022 तक। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए है, 2555 करोड़, 22 करोड़, 1000 करोड़, 1300 करोड़, और उनका जो खर्चा है वो कितना हुआ है 27,000 करोड़ का। ये डिस्क्लोज नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है बाहर की एजेंसी से। जो डिस्क्लोज फिगर है वो ऐसी है, 752 करोड़, 646 करोड़, 340 करोड़, ये फिगर्स हैं। अगर आप इन फिगर्स को भी मान लें तो भी आप सोच के देखो कि क्या ये जस्टिफाइड है। कहने का मतलब ये है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बैन होने की वजह से पार्टियों के फंडिंग पे क्या बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ेगा या रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट ऑन फंडिंग आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? तो आपको बताया जाए, भाजपा के पास जो कॉरपोरेट डोनेशन आया, कॉरपोरेट डोनेशन का मतलब जो कॉरपोरेट्स डायरेक्टली डोनेट करते हैं, वो इन टोटालिटी पिछले 7 साल में 3300 करोड़ का आया, 3300 करोड़। बाकी पार्टियों का इतना है, कांग्रेस का 400 करोड़ है, और बॉन्ड्स के थ्रू जो है बीजेपी को 1295 करोड़ आया, 1295 करोड़। सो दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड अप टिल 2022-23 की इसमें फिगर्स नहीं है, हाल ही में जो हुए इलेक्शंस हैं वो फिगर्स नहीं है। तो इन टोटालिटी जो है, ये जो फिगर है, ये काफी हद तक जो है इसके ये सारी चीज 6500 करोड़ जो है वो भाजपा को इन टोटालिटी आया है। तो अब सोच के ये देखिए, आपके ऊपर ये चीज है कि क्या आप इस चीज को देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन करने से क्या एक्चुअली भाजपा पर कोई फर्क पड़ेगा? 6500 करोड़ का डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया है और इलेक्शंस में जो खर्चा है वो 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए तक, ये जो रिपोर्टेड खर्चा है या ऐसा खर्चा जो अनुमान लगाया जा रहा है, इतना खर्चा है। तो क्या बॉन्ड से आप ये सोच के चलो क्या वो इलेक्शंस पूरा भरपाई कर पाएगा, या अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैन हो गए तो क्या वो पूरा का पूरा खर्चा इंपैक्ट हो जाएगा, ये बताना है आपको, या फंडिंग जो है क्या वो रिड्यूस हो जाएगी? अब ये सवाल देखने वाला है, दिस क्वेश्चन हैज टू बी सीन। तो अब ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या ये चीज होगी या नहीं होगी, ये चीज आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर, जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।